यह लारे की सरकार है जिन्हें को किसानों को किसानों लिए सुनने की गल टाइम नहीं गा ये तो अपने लिफाफे करते फिर लोगों को बुद्धू बनाते फिरते बड़े वो गल चाचा चोर भतीजा डाकू दासा दस नंबरी है बापू पै गए हथ वजीरी लावे लुधियाने डीसी पुत भमीरी यो गल चोर की सरकार आ पंजाब च विधान सभा चोणां होण विच कुछ ही समा बाकी रह गया। सर्दी दे मौसम च जिवें जिवें पारा थले डिगदा जा रहा है पंजाब दा सियासी माहौल उन्ना ही गर्म हुंदा जा रहा है। पंजाब विधान सभा चोणां दे मद्देनज़र पंजाब दीआं वख-वख राजनीतिक पार्टियां वल्लों राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दित्तियां गईआं ने जबकि पिछले लंबे समय तो अपनियां मंगां पूरियां करन दी मंग नूं लै के वख-वख विभागां दे कर्मचारी अते होर प्राइवेट जथेबंदियां काफ़ी सरगर्म ने। इसे तरह अज पंजाब दे गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा जो कि विधायक कुलबीर जीरा दे जीरा हल्के च वख-वख विकास दे कम्मां दे नींह पत्थर रखन लई पहुंचे सी उन्हां नूं कुछ जथेबंदियां अपनियां मंगां दे संबंध विच मिल के मंग पत्र देना चाहुंदियां सी पर रंधावा विकास दे कम्मां दे नींह पत्थर रखन तों बाद किसी जरूरी काम का बहाना लगा के मांग पत्र लैन तो बिना ही चलते बने जिसके खिलाफ वख-वख सरकारी अते प्राइवेट जथेबंदियां दे आगुआं ने गृह मंत्री रंधावा अते पंजाब सरकार दे खिलाफ जम के भड़ास कढ़ी है। अज सानू पता लग्या कि मंत्री साहब आ रहे हैं उन्हां नूं जिहड़ा हैगा मंग पत्र देण दे लई पेंडू ते खेत मजदूर जथेबंदियां जिहड़ा सांझा मोर्चा बनाई जो मजदूरां दीआं पंजाब सरकार ने जिहड़ा हैगा मजदूरों के नाल वादे किए हुए थे कुछ साडियां संविधानक मंगा सीगियां उन्हां संबंधी असीं अज मंग पत्र देण दे लई इत्थे मंत्री साहब नूं पहुंचे सीगे पर वह सानू पता ही उदों लग्या कि जदों चले गए इस दी असीं सब शब्दां विच निखेधी करदे आं क्योंकि जिहड़ी सरकार कोले जिहड़ी सत्ता कोले मजदूरों का मंग पत्र लैण दा टाइम नहीं वह मजदूरों नूं जिहड़ा हैगा वाजब मंगा वाजब जिहड़ा हैगा सहूलतां ते कित्थों जिहड़ा हैगा सेहत सहूलतां दे सकदी आ। सीएम साहब अपने तरह चरणजीत सन्नी तों गुरु साहब थोड़ा नाल कीता धोखा कीता इत्थे सारे सुखी साहब ने आउणा सी असीं 12 बजे बैठे इत्थे ये लारे की सरकार है जिन्हें को किसानों को किसानों लिए सुनने की गल टाइम नहीं गा ये तो अपने लिफाफे करते फिर लोगों को बुद्धू बनाते फिरते हैं। अज 12 बजे बैठे हैं सानू कहते सानू मीटिंग करावे जी तो आने सुखी कहते उन्होंने को टाइम है नहीं तो फिर इतने करन गया टाइम है नहीं किसानों वास्ते आम पब्लिक कहने कोई टाइम नहीं लारे की सरकार है ना किया लारे तो सिवाय इन्हों को कुछ नहीं गा कहते ना भी चाचा चौधरी बड़े वो गल चाचा चोर भतीजा डाकू दासा दस नंबरी है बापू पै गए हथ वजीरी लावे लुधियाने डीसी पुत भमीरी यो गल चोरों की सरकार आ जे चोर ना आन तो गल क्यों नहीं करते किसान जथेबंद क्यों नहीं करते। असी सेहत विभाग के NHM के पिछले 15 सालों तो लगभग काम कर रहे हैं तो असी जिन्हें भी सारे प्रोपर चैनल भर्ती हुए हैं पर सानू सारियां ठेकेदारी दे विचों बाहर नहीं कढ़िया गया साडे नाल दी जिहड़े स्टेट हैगी हरियाणा उत्थे रैगूलर पे स्केल दिते जा रहे हैं राजस्थान ने NHM वालियां नूं रैगूलर कर दिता पर सानू तुसीं कदे सुनिया होगा कि जिहड़े करोना की जंग जिहड़ी जीती है वह हैल्थ डिपार्टमेंट के सिर ते जीती गई है तो कदे तुसीं इह सुनिया होगा कि जिहड़े फौजी हुंदे उह ठेके ते रखे गए होण तो अज सानू इत्थे टाइम दिता सी असीं मंग पत्र देना सीगा पर जिहड़े डिप्टी CM साहब इन्हां नाल आदरशाही रवैया उन्हां दा उन्हां ने एक मिनट ते खड़न दी भी टाइम नहीं उन्हां कोल सीगा। आने वाले समय दे विच ओमिक्रोन जिहड़ी की बीमारी आ रही है उहदे विच तुहाडी ड्यूटियां किदां रहणगियां? उहदे विच जिद्दां असीं फ्रंट ते पहलां लड़े आ हुण भी असीं उदां ही लड़ांगे क्योंकि साडा काम जो है सेहत विभाग जिहड़ी रब की सब तो जिहड़ी सोहणी कलाकृति है इंसान असीं उस नूं ठीक रखण करन दा हुनर रखदे हां पर उहदे विच कदे बिना हथियारां तों कदे जंग लड़ी जांदी है सानू तो सारा समान भी कोई इन्होंने कोई मास्क नहीं देंगे कोई कुछ नहीं देंगे उदों गवर्नमेंट के सारे हाथ खाली हो जाते हैं। जीरा तो दीपक भार्गव की रिपोर्ट।